हेलो दोस्तों, फिर सब सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ अबूधाबी का समुंदर किनारा किस तरीके से है। ठीक है, काफ़ी टाइम मैं तो खुद जाता हूँ, आज सोचा चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ तक मैं मास्क नहीं यूज़ कर सकता हूँ, मैं मास्क नीचे रखूँगा, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मगर जहाँ पर मास्क की ज़रूरत है मैं मास्क पहन लूँगा दोस्तों। ठीक है, तो इन्जॉय कीजिए। काफ़ी सारे पॉइंट्स है यूएई में, मैं धीरे धीरे जो है आपको सारे पॉइंट्स जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगा और होपफुली आपको सब अच्छे लगेंगे। और लिफ्ट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से तीन लिफ्ट है, तो पता नहीं कौन सी भी आएगी, उससे हमें नीचे जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे नॉर्मल हालात हैं सारे, यहाँ पे इतना इशू नहीं है जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन इंडिया में हो रहा है, उस तरीके से तो यहाँ पे नहीं है। कोई तो लिफ्ट आ गई है, बट देखते हैं अभी। और प्लीज़ बताइए मुझे आपका, आपको कैसे लगते हैं चार, मतलब ये ब्लॉगिंग जो मैं बना रहा हूँ वो आपको कैसे लगती है, दिखा बता देना मुझे। तो ये होगा ना, थोड़ा सा आइडिया आपको आ जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके से होता है या कैसे लाइफस्टाइल होता है, इसका थोड़ा सा आपको अंदाजा आ जाएगा। मैं दोस्तों अभी मास्क पहन लेता हूँ क्योंकि बाहर जाना है मेरे। ठीक है, यहाँ पे बहुत क्लीननेस होता है दोस्तों। यहाँ पे जो भी बंदा रहता है काफ़ी टाइम तक, मतलब 1-2 साल, और जो बाद में अपने इंडिया या अपने मुल्क चला जाता है, तो उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है, क्लीननेस नहीं होता तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब हम लोग पहले जाएंगे मेरी गाड़ी में, गाड़ी से हम लोग एक्चुअली पास में ही है वॉकिंग डिस्टेंस पे, मगर कोशिश ये करेंगे गाड़ी वहाँ पे मैं पार्क करके आपको समुंदर किनारा दिखा देता हूँ। ठीक है, पहुँच करता हूँ मैं अभी। एक पहुँच करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इस तरीके से ही लेके जाता हूँ। ये पूरा पार्किंग एरिया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी पार्किंग होती है। सब अपने अपने कामों में यहाँ पे बिजी रहते हैं लोग, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये बकाला होता है यहाँ पे, ये हर बिल्डिंग के नीचे 1-2 बकाले होते हैं और वही लोग जो है ना उस बिल्डिंग को ग्रॉसरी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर आपको दूध की ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आपने सिर्फ कॉल करना होता है। ये जो मेरे पीछे वाली 2 बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये अबू धाबी की सबसे बड़ी हाईएस्ट बिल्डिंग है, इसको WTC टावर बोला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कभी मैं वहाँ पे भी आपको लेके जाऊँगा और वहाँ से भी आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा। पार्किंग में आ चुका हूँ, ये देखिए इतनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, ये पेड पार्किंग होती है। पेड पार्किंग मतलब यहाँ पे आप कहीं पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कार खड़ी नहीं कर सकते हो, 2 दिरहम पर आवर होता है, आपको कहीं पे भी गाड़ी लगानी हो सिटी में, आउटसाइड सिटी कहीं कहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप पार्क कर सकते हो। चलो गाड़ी आ गई है, मैं अंदर बैठ के फिर स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, गाड़ी में तो मैं बैठ गया हूँ और शुरुआत करते हैं। अभी आपको फ्रंट कैम में जो है वो एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको आगे का व्यू दिखे। तो आगे थोड़ी सी गाड़ी रोकता हूँ, गाड़ी थोड़ी गंदी हुई है दोस्तों, यहाँ पे सैंड स्टॉर्म आते रहते हैं, मतलब ना धूल का बाद धूल के तूफान होते हैं ना, वो बहुत आते रहते हैं, उस इस वजह से गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई है, डोंट माइंड। और मैं यहाँ पे थोड़ी सेटिंग करता हूँ ताकि आपको आगे का एरिया थोड़ा सा क्लियरली दिखे। थैंक यू दोस्तों। चले दोस्तों, अब हम लोग एक्चुअली, मैंने जैसे गैलरी से दिखाया था मैंने आपको कि जो समुंदर किनारा है वो घर के मेरे पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मगर अभी धूप ज़्यादा है इसलिए मैं चलते चलते नहीं जाना चाहता हूँ।
वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि क्या होता है मुझे और वीडियो बनाने का होता है ना एक कि हाँ आपको पसंद आ रहे तो मैं और भी वीडियो बना सकता हूँ। देखिए दोस्तों, बाहर ज़्यादा लोग नहीं होते, यहाँ पे सारे जो भी है लोग ऑफिस में बिजी है या अपने घर में। आज वैसे छुट्टी है इसलिए ज़्यादातर लोग अपने घर पे फैमिली के साथ ही टाइम देते हैं। यहाँ पे गिव अवे बहुत होता है, गिव अवे सॉरी, लोग रुकते हैं। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में खुद निकल जाओ दूसरों को प्रॉब्लम करो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक दूसरे को सब लोग वे देते हैं जाने के लिए। इवन रास्ते में भी कोई अगर रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको भी पहले रोड पे वे दिया जाता है। ये दोस्तों, ये जो एरिया है ये डाउनटाउन अबू धाबी है, मतलब हर्ट, अब भी हम लोग हर्ट में ही है, मतलब आउटसाइड नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। और ये सामने आपको समंदर किनारा दिख रहा है अभी, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग कहीं पे पार्किंग देके पार्क करेंगे और फिर मैं आपको समंदर किनारा दिखाने के लिए वॉकिंग पे लेके जाऊंगा। समंदर किनारा और रोड के उस तरफ है और वहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, तो गाड़ी अभी यहीं पे कहीं पे हम लोग पार्क करेंगे और चलते चलते जाएंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उस तरफ पार्किंग नहीं है। आज फ्राइडे सैटरडे है इसलिए काफ़ी लोग होते हैं वहाँ पे तैरने के लिए, मगर हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे जहाँ पे स्विमिंग होती है। स्विमिंग जिस एरिया में होती है वो गेट अलग है, तो वहाँ पे मैं आपको किसी और दिन लेके जाऊँगा, ठीक है। वो ब्लॉग मैं किसी और दिन बनाऊँगा जहाँ पे मैं खुद भी स्विमिंग करूँगा आपके लिए। रेड सिग्नल है इसलिए हम लोग रुके यहाँ पे। बहुत साइलेंट सिटी है दोस्तों, मतलब अपने अपने लोग अपने अपने कामों में बिजी है बस, कोई किसी को यहाँ पे देखता नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपना अपना काम। लड़कियों के लिए भी इसी वजह से सेफ है दोस्तों ये। थोड़ा सा शेक हो रहा है मोबाइल, मगर एक्चुअली मैं खुद व्लॉगिंग नहीं की है आउटसाइड जाके, तो थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, धीरे धीरे ये बातें नहीं होंगी। तो ये आ गया हमारा पार्किंग का एरिया, यहाँ पे अभी हम लोग कहीं पे पार्किंग देखेंगे और यहाँ पे हम लोग पार्क कर देंगे। ये यहाँ पे पेड़ आपको दिख रहे हैं रोड के साइड पर, ये होते खजूर के पेड़। आज वैसे छुट्टी है इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ पे पार्किंग हमें जल्दी मिलने वाली है। हाँ है यहाँ पे पार्किंग है। पार्किंग इसी लाइन में लगानी है, पार्किंग लगा दी है। अब दोस्तों मैं बाहर निकल के देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कार पार्किंग की है और इस तरीके से ये गार्डन का एरिया है। एक धूप बहुत है, एक्चुअली मैं बहुत धूप में बाहर निकला हूँ। तो अब हम लोग जाएंगे समंदर की तरफ, आपको दिखाने की कोशिश, दिन में दिखाना था मुझे आपको, इसलिए मैं धूप में निकला हूँ। बहुत कड़क धूप है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों इस तरीके से गार्डन बीच में लगता है जो आप देख सकते हो। अब हम लोग जा रहे हैं समंदर किनारे की तरफ, ये बीच में गार्डन लगता है और वो गार्डन को क्रॉस करने के बाद जो है आप यहाँ का कॉर्निश बीच जो अबू धाबी का है वो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से है। धूप ज्यादा है इसलिए अभी दोपहर में यहाँ पे कोई भी नहीं है, नहीं तो काफी लोग यहाँ पे होते दोस्तों।
जैसे ही शाम होने वाली होगी 6 बजेंगे, वैसे भी रमज़ान की छुट्टियाँ, रमज़ान के रोज़े हैं ना, इसलिए लोग अभी आजकल बहुत नहीं बाहर निकल रहे हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगेगा। देखो दोस्तों कुछ भी नहीं है, लोग भी यहाँ पे होते हैं, अगर नहीं होते हो तो भी यहाँ पे कोई गंदा नहीं करता है, बहुत अच्छे तरीके से क्लीनलेस जो है यहाँ पे रखा जाता है। इस तरीके से कूड़ेदान होते हैं हर जगह पे, डस्टबिन, तो लोग जो है वहीं पे कचरा फेंकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे एक फाउंटेन है, कितनी अच्छी तरीके से ये गार्डन इन्होंने बनाया है। और यहाँ पे अभी अंडरपास है, अंडरपास से हमने गुजरना है उस तरफ रोड के जाने के लिए। बहुत खूबसूरत यहाँ पे व्यूज होते हैं। मेरी शक्ल में कमी दिखाया करूँगा दोस्तों आपको, क्योंकि ऐसे भी आप मेरी शक्ल देखते रहते हो। यहाँ पे भी नीचे इन्होंने इस तरीके से अच्छा बनाया, और ये वहाँ तक एक अंडरपास है जो हमने क्रॉस करना है। अब मैं इसको पॉज करता हूँ, वहाँ जाके ओपन करता हूँ। ये लोग वॉक कर रहे हैं, यहाँ पे हर कोई अपने अपने काम में मस्त रहता है, कोई किसी को क्या कर रहे हो क्या क्यों नहीं, इसकी झंझट में कोई नहीं पड़ता। तो हम लोग जो है उस समंदर के किनारे आ गए दोस्तों, और यहाँ से आपको अभी दिखता है, दिखना जो है वो शुरू हो जाएगा। बहुत प्यारा व्यू होता है दोस्तों, यहाँ से आपको पूरी अबू धाबी एक साइड में दिखेगी इस तरीके से, जो मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ। फाइनली जो पॉइंट आपको दिखाना था दोस्तों, उस पॉइंट पर हम लोग आ गए। कोई भी नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हो समुंदर का किनारा खाली पड़ा हुआ है। अभी मैं स्लोली स्लोली जो है आपको सारा व्यू दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो वहाँ पे आपको मरीना मॉल दिखेगा, और धीरे से मैं आपको अबू धाबी का जो है वो व्यू भी दिखाता हूँ। ये जो बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये ही वो बिल्डिंग है WTC, ठीक है। और इस तरीके से आप एक साइड पे जो है वो अबू धाबी देख सकते हो, और ये क्रिस्टल क्लियर वाटर है ब्लू कलर का, आप देख सकते हो। मैं काफ़ी बार मुंबई गया था दोस्तों, मैं मुंबई से ही हूँ, आपको पता होगा, तो मुंबई का भी पानी इतना क्लीन नहीं है। आप यहाँ का पानी जो है वो आप चेक कर सकते हो किस तरीके से पानी है। काफ़ी लोग यहाँ पे आके फिशिंग भी करते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। ये सामने जो आपको एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, ये लुलू आइलैंड बोला जाता है इसको। कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे कैंपिंग करने के लिए, वहाँ पे कोई रहता तो नहीं है। और इस तरीके से आप जो है यहाँ का व्यू देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी जब मुझे कोई काम नहीं होता तो मैं यहीं पे आके बैठता हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हो अबू धाबी किस तरीके से दिख रही है। अभी जो है लोग वो गार्डन में आना शुरू हो गए, एंड टू एंड पूरी अबू धाबी जो है मेनलैंड, जो डाउन टाउन आप बोल सकते हो, वो यही है जो आपको यहाँ से दिखता है। और उस तरफ जो है वो सामने आपको दिख रहा है वो मरीना मॉल है, जो अभी धुंध की वजह से नहीं दिख रहा है। तो यही मुझे आपको आज दिखाना था, किस तरीके से कैसा लगा ज़रूर बताना। धूप बहुत तेज़ है यहाँ पे, तो आंखें मेरी बंद हो रही है धूप की वजह से। और इस तरीके से आप यहाँ पे बैकग्राउंड में व्यू
देख सकते हो बहुत अच्छा व्यू है दोस्तों यहाँ पे आके, मतलब काफ़ी सारे लोग शाम को आ जाते हैं, बैठते हैं यहाँ पे, तो उनको शांति मिलती है। होता ना दिन भर थकान से बंदा थका रहा आ जाता है, और उस तरफ थोड़ा सा आगे जाने के बाद वहाँ पे आपको जो है वो स्विमिंग कर सकते हो आप। वहाँ पे मैं एक दिन जाऊँगा स्विमिंग के सामान के साथ जाऊँगा, तो आपकी आपको भी पता चले कि क्या रूल्स होते हैं। रूल्स होते हैं वहाँ पे कि आप बैचलर नहीं जा सकते हो, विद फैमिली जाना है आपने, और बैचलर के लिए अलग सा एक बीच होता है वहाँ पे आप जा सकते हो विद फैमिली। घर जा रहे हो तो फैमिली के साथ वाला जो बीच है वहाँ पे आपने जाना है, और आपका स्विमिंग सूट ही होना चाहिए तब आप जा सकते हो। अगर आप जीन्स पहने हो तो वहाँ पे अलाउड नहीं करते सिक्योरिटी आपको जाने के लिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप वहाँ जाकर बस फोटो क्लिक करोगे। तो ज़रूर दोस्तों ज़रूर मुझे बताना कि आपको किस तरीके से कैसा लगा वीडियो, और इस तरीके से काफ़ी सारे खूबसूरत पॉइंट जो है यूएई के मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। बाय बाय।